वातावरण में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, हमने अपनी पुरानी वीडियो में पोलियोमेलाइटिस और रेबीज के बारे में पढ़ा था और आई होप आप सबको वो चीज क्लियर भी हुई थी। बेटा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HIV और एड्स के बारे में, क्या HIV होता है और क्या एड्स होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एड्स और HIV के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ पे एड्स की फुल फॉर्म मेंशन है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या मतलब है एक्वायर्ड? जो कि ली गई हो बाद में, बर्थ से नहीं, बर्थ के बाद ली गई हो, क्योंकि हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इम्यूनो मींस इम्यूनो सिस्टम पे होने वाली डिसीज, मतलब डिफिशियंसी मींस किसी चीज की कमी हो जाती है। मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में, अपने पिछले पुराने लेक्चर्स में बताया था, मतलब इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, किसी चीज की कमी हो जाती है। ठीक है, सिंड्रोम मींस क्या होता है? सिंड्रोम मींस होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसमें आपको ऐसा फील करोगे, यार मुझे तो निमोनिया भी है, यार मुझे तो ट्यूबरकुलोसिस भी है, यार मुझे तो ये भी है, वो भी है। काफी सारी डिसीजेस हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया किस चीज की कमी होती है यहाँ पे होती है इम्यूनिटी की, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये फुल फॉर्म किसकी है? एड्स की। ओके, अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट की, तो वो होता है क्या? HIV। ठीक है, अब HIV की फुल फॉर्म जानते हैं। HIV की फुल फॉर्म है बच्चे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इंसान में इम्यूनिटी की कमी होती है, ठीक है, और उसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स शो होने लगते हैं बॉडी में। ठीक है, चलिए। और बेटा यहाँ पे एक और वायरस का नाम लिखा है, जिसका नाम है रिट्रोवायरस। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि रिट्रोवायरस क्या है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर क्वेश्चन में HIV है, रिट्रोवायरस है, HIV नहीं दे रखा है, रिट्रोवायरस दे रखा है, तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि हमने तो मैम HIV पढ़ा था, अब हम क्या लगाएं इसमें। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, HIV है तो HIV लगाएंगे, रिट्रोवायरस है तो आप रिट्रोवायरस ही लगाएंगे। एक्चुअली बेटा, जो आपका ये HIV है, ये रिट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, HIV आपका किससे बिलोंग करता है? रिट्रोवायरस फैमिली से। रिट्रोवायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, जिसकी सब फैमिली है या फिर सब क्लास है क्या? HIV। ठीक है, अब हम अगर बात करें इसकी डिस्कवरी की, हालांकि ज्यादा किसी कॉम्पिटिशन में पूछी जाती नहीं है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी क्योंकि NCERT में गिवन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बेटा देखो, HIV का एड्स का फर्स्ट केस पूरे वर्ल्ड में जहां देखा गया था, कहां देखा गया था? USA में। ठीक है, होमोसेक्सुअल्स में देखा गया था, ये मींस गे में देखा गया था ये, और कब देखा गया था? 1981 में। आपको याद रखना है क्या, कहां पे देखा गया था? USA में 1981 में देखा गया था। किसका केस? एड्स का केस। और बेटा ये इंडिया में देखा गया था, जो इंडिया में फर्स्ट केस इसका नोटिस्ड हुआ था, वो हुआ था 1986 में। ओके, मतलब फर्स्ट केस पूरे वर्ल्ड में कहां देखा गया? USA में 1981 में। ठीक है, और इंडिया में कहां देखा गया? 1986 में। कहां पर? चेन्नई में। ठीक है, अब बेटा इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी, आपके नॉर्मल एग्जाम्स जो होते हैं अकेडमिक्स के लिए भी और आपके कॉम्पिटिशन लेवल के लिए भी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चों। देखो बेटा, जब सबसे पहले बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो ये एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ओके, इसमें क्या है, आप देख रहे होगे इसकी मेम्ब्रेन में कुछ स्पाइक्स जैसे नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये स्पाइक्स है। बेटा देखो, इसमें इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। ग्लाइको, मैंने पता है ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज से निकला है वर्ड, और प्रोटीन तो आपको पता ही है, अमीनो एसिड्स प्रोटीन। ठीक है, तो इसकी ग्लाइकोप्रोटीन की वॉल होती है, तो GP यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये स्पाइक्स हैं, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है अपर पार्ट मींस इतना पार्ट, ये होता है किसका?
ये होता है GP120 का, और जो इसका इनर पार्ट है वो होता है GP41 का। अब बेटा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेम्ब्रेन के मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन कौन सा पार्ट है, तो आप क्या बताओगे? ट्रांस मेम्ब्रेन मीन्स जो मेम्ब्रेन में हो, ठीक है? ऐसे समझो आपने वाटरमेलन खाया होगा, उसके जो बीजेस होते हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं, ऐसे यहाँ पे जो GP41 पार्ट है वो उसमें एम्बेडेड है, मीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन है। ओके, तो आप क्या लगाओगे? GP41। हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने आपको बता दिया है हायर स्टडीज के लिए। ओके, और यही रीजन है कि हम आज तक एड्स की मेडिसिन ढूंढ नहीं पाए हैं, बना नहीं पाए हैं, क्योंकि बेटा इसका रीजन ये है कि जो इसका अपर पार्ट है मीन्स GP120 है वो बेटा मतलब गिरता है, शेड होता है, गिर जाता है। सपोज करो ऐसे समझो इसको, ये आपकी बॉडी हो गई, इसमें ये एंटीबॉडीज है, जब ये वायरस ने अटैक करा तो जो इसका ये ऊपर का पार्ट है मतलब GP120, ये तो बार बार गिरेगा। अब एंटीबॉडी जो है वो हमने इसके लिए तो बनाएंगे, हम ऊपर वाले पार्ट के लिए तो एंटीबॉडी बनाएंगे, और ये तो बार बार गिर रही है। सपोज मैंने इसकी बना दी, गिरती है नहीं आती है, गिरती है नहीं आती है, ये तो स्टेबल है, ये तो कांस्टेंट है, क्या GP41 पर GP120 वेरिएबल है, वेरिएबल रहती है, ठीक है? अपने स्ट्रक्चर को बार बार गिरती और बनाती रहती है, ठीक है? तो अगर हमने इसके लिए एंटीबॉडी बनाई और ये तो गिर गया तो फायदा क्या हुआ? ये इसी यही रीजन है कि हम आज तक एड्स की मेडिसिन नहीं ढूंढ पाए, यानी नहीं बना पाए हैं। ओके, अब आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके बाद जब हम अंदर चलते हैं तो इसमें ये प्रोटीन कोट्स हैं, ये कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड है। बेटा जब आपने वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, हम आगे पढ़ाएंगे भी, तो आपने ये पढ़ा होगा कि उसमें कैप्सिड होता है जो प्रोटीनियस होता है, वही चीज है और कुछ नहीं है, प्रोटीन कोट है, न्यूक्लियोकैप्सिड भी बोलते हैं हम इसे, ये और ये। और आगे चलो बेटा, जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये और कुछ नहीं है, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है? अब इसे सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा अगर डबल स्ट्रैंडेड होता तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता, ये होता है क्या, डबल स्ट्रैंडेड, बट यहाँ पे सिंगल, एक ही स्ट्रैंड है ना, डबल तो नहीं है ना, एक ही स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखो, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हुआ। ओके, इसके अंदर चलेंगे, यहाँ पे आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बेटा, ये है एक एंजाइम जिसका नेम क्या है, जिसका नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका क्या वर्क है, क्या करता है ये भी हम आगे जानेंगे, फिलहाल इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एचआईवी वायरस, मतलब कैसे एचआईवी का वायरस बॉडी में एंट्री लेता है, कैसे वो इफेक्ट करता है, ठीक है, और कैसे वो डिसीज को कॉज करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बच्चों, ये है रिट्रोवायरस, ठीक है, मींस एचआईवी वायरस, ठीक है, आप एचआईवी वायरस भी बोल सकते हो, एड्स का पॉजिटिव एजेंट। देखो बेटा, जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करेगा, ठीक है, ये होस्ट की बॉडी में एंट्री करेगा, तो सबसे पहले ये कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करेगा? सबसे पहले ये करेगा मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट, ठीक है? मैक्रोफेजेस एक सेल होते हैं बॉडी में, इम्यून सिस्टम के सेल है, उनको ये इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, इन्फेक्ट करेगा, और क्या करेगा, उन सेल्स के न्यूक्लियस में जाके अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को, मैंने बताया था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेगा, मतलब डबल स्ट्रैंड में, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड है और ये सिंगल स्ट्रैंड है, एचआईवी डीएनए बनाएगा, ठीक है। अब ये कैसे बनाएगा, देखो बेटा, मैंने आपको स्ट्रक्चर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में बताया था कि एंजाइम होता है एचआईवी वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसी के थ्रू ये अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। अब कैसे करता है, चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, यहाँ देखिए, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सेंट्रल डोग्मा, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, हायर क्लासेस में मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ इसका। देखो बेटा, समझने की कोशिश करना, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, क्या बनता है, डीएनए से एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, ठीक है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैसेंजर आरएनए समझो, उस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। देखो बच्चों, अब ये वायरस क्या करता है,
जहां हमारा डीएनए से आरएनए बन रहा है, वहां ये आरएनए से डीएनए बनाता है किस एंजाइम के थ्रू? आई बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू। ठीक है, तो अब वापस आते हैं, अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनता है, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्टेज क्यों बोला गया? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस का नाम है जहां डीएनए से आरएनए बनता है। आगे बढ़ते हैं, जब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से अपना एचआईवी डीएनए बना लेगा, उसके बाद ये वायरल डीएनए जो इसका होगा वो वायरल डीएनए होगा, क्योंकि ये इसका डीएनए इसने बनाया ना, तो ऑब्वियस बात है वायरल तो होगा, वायरस का डीएनए। ये होस्ट के सेल में जाके, उसके न्यूक्लियस में जाके, उसके डीएनए में जाके उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा, मतलब अपने वश में कर लेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये नॉर्मल पर्सन का डीएनए था जो मैंने ब्लैक पेन से शो करा है, और ये रेड पेन से वायरल डीएनए। इसने ह्यूमन के डीएनए को, मींस होस्ट सेल के डीएनए को, जो भी होस्ट होगा, होस्ट बॉडी होगी, उसमें न्यूक्लियस में जाके उसके डीएनए से इनकॉर्पोरेट कर लेगा, मिक्सअप कर लेगा। ठीक है, अब अगर आगे चले तो अब ये पूरी तरीके से अपने वश में कर लिए इसने होस्ट की बॉडी। ठीक है, अब ये अपना काम करवाएगा। बेटा देखो, मेरा को होता है था आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है, अब इसका ये वायरल डीएनए बना, अभी क्या करेगा, अपने सिंगल स्टैंडर्ड जो इसका आरएनए होगा वो उसमें से दो काम करेगा। एक काम तो ये राइबोसोम को डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा, और प्रोटीन बनाएगा अपने मतलब का, ठीक है, जिससे डिसीज कॉज हो। और दूसरा काम ये क्या करेगा, ये न्यू वायरस बनाएगा और इन्फेक्ट करेगा, मतलब अपने जैसे और वायरस को बनाएगा बॉडी में, रेप्लिकेट करेगा, अपने जैसे और वायरस बनेंगे इसके। ठीक है, और हेल्पर टी सेल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हेल्पर टी सेल्स पे जाकर ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये उनको इन्फेक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉडी में सबसे पहले आने के बाद रिट्रोवायरस कहाँ है, कौन से सेल्स पे इन्फेक्ट करता है, मैक्रोफेजेस पे, और सेकेंड किस पे करता है, हेल्पर टी सेल्स पे, याद रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हेल्पर टी सेल्स बेटा क्या काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के सेल होते हैं वो एक होते हैं टी सेल्स और एक होते हैं बच्चों बी सेल्स। टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स करते हैं, टी सेल्स बी सेल्स को डायरेक्शन देते हैं कि आप जाओ और एंटीबॉडीज बनाओ किसी भी डिसीज के खिलाफ। ठीक है, किसी भी डिसीज के अगेंस्ट आप एंटीबॉडी बनाओ। पर ये क्या करता है, ये टी सेल्स को इनएक्टिवेट कर देता है, टी सेल्स को ही मार देता है। तो जब टी सेल्स बी सेल्स को डायरेक्ट नहीं करेंगे तो क्या एंटीबॉडी बनेगी, नहीं बनेगी। और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो क्या ये रिट्रोवायरस खत्म होगा बॉडी में, कभी भी नहीं होगा। तो ये टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, टी सेल्स को किल कर देता है, और बी सेल्स तक कोई मैसेज ही नहीं पहुंचता है, ना किलर सेल्स तक, ना मैक्रोफेजेस तो पहले ही डेड हो चुके हैं, किसी भी सेल्स तक कोई मैसेज नहीं पहुंचता है, कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती है, और ये पूरी तरीके से अपने अपने वश में कर लेता है होस्ट सेल्स को। ठीक है, जो भी होस्ट सेल होता है उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है, अंडर कंट्रोल करता है, कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती है, ये डिसीज कभी ठीक नहीं होती है। ओके, आपको पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का वर्क क्लियर हो गया आप लोगों को, कि डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है, तो बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एंजाइम के प्रेजेंस में आरएनए से डीएनए बनता है, वही काम रिट्रोवायरस करता है। ठीक है, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया, उसकी मैकेनिज्म समझ में आई, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको उसको सोल्यूशन बताऊंगी, आंसर बताऊंगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह आपको ढेर सारे लाइक देने हैं। ओके, सो खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।